बेरमो के दंगल में कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह उर्फ कुमार जयमंगल के लिए चुनाव प्रचार करने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी पहुंचे। आलमगीर आलम से खास बातचीत की न्यूज 11 भारत ने। नजदीक आते ही चाहे वो यूपीए खेमे की बात हो या फिर एनडीए की तरफ से तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मौजूद है, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्योंकि दुमका में भी लगातार इन्होंने कैंपेन किया। सर, दुमका में भी आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, बेरमो में भी आपका दौरा हो चुका है, अब क्या कुछ आप लोगों तक फीडबैक आ रहा है इस दोनों उपचुनाव को लेकर? देखिए, अभी सीएम साहब के साथ दुमका में भी एक चुनाव प्रचार करके हम लोग आए हैं। लोगों का गैदरिंग हाव भाव जो लगता है, वो लगता है कि 3 तारीख को जो वोट देंगे हमारे मतदाता, वो गठबंधन के पक्ष में देंगे। और मुझे लगता है कि लास्ट इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में जो वोट हमें मिला था, उससे बहुत ज़्यादा वोट हम लोग को मिलेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इशू नहीं है। एक तरह वो बोलते हैं कि 9 महीना, तो मेरा जवाब यही है, 6 महीना लॉकडाउन रहा तो जब एक घर से दूसरे घर, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिला से दूसरे जिला का जब परमिशन नहीं था, तो उस पर डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हो और लोग भी समझ रहा, मैं इस बात को भी रखे लोगों को। बीजेपी के लोग जो प्रचार में घूम रहे हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफर उद्योग एक धंधा के तौर पर यहाँ पर चल रहा है, 2200 ट्रांसफर पोस्टिंग आप लोग बीते 10 महीने में कर चुके हैं। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग 2 समय सबसे ज्यादा होता है, एक जब चुनाव आता है उस समय, और चुनाव के बाद जो सरकार परिवर्तन होता है उसके बाद ही होता है, और वो नियम का अनुसार होता है और सतत प्रतिक्रिया है। जिस तरह से आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जीएसटी का पैसा केंद्र नहीं दे रहा है, डीवीसी का बकाया काट लिया गया, तो इस पर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार विधवा विलाप कर रही है, अपने काम जो है उसको छुपा रही है, सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही, इसलिए केंद्र पर आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, हमारा पैसा जमा था और वो सार्वजनिक रूप से ये हुआ कि 1417 करोड़ रुपया वो काट लिए गए। ये मेरी बात नहीं है, सरकार ने अल्टीमेट दिया तो काट दिए। तो पहले ही मैंने कहा था कि जब वो सरकार का बकाया था, 5 साल में आप काटने की काम नहीं किया, और जैसे ही मेरा 9 महीने का समय और कोरोना काल में जहां पर फंडिंग नहीं हो रहा था, उस समय आप काट लिए। ये बिलाप बोले कोई इशू नहीं है, उनके पास कोई इशू नहीं, ये नहीं कह पा रहा है कि मुझे वोट दो हम कुछ करेंगे। उसको तो दिया बहुत चांस, लगातार 17 साल राज किया, 15 साल राज किया, उसने कुछ किया ही नहीं, इसलिए वो बोल नहीं पाता कि हम आने वाले समय में कुछ करेंगे। इसलिए जो भी होता है, कभी इधर कभी उधर बोलकर अपना वोट प्रचार कर रहे हैं। सर, जीत के लिए आश्वस्त है दोनों सीट पर आप लोग? 111%। चलिए, ये थे राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर दावा किया है कि जीत दोनों सीटों पर तय है और जो भी आरोप विपक्ष लगा रहा है वो बेबुनियाद है। सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 बेरमो।